आई थिंक सुरेखा जी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड. नहीं देखिए, रिजेक्शंस कुछ नहीं होते. रिजेक्शन जैसे अगर आप, मैं ये दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि रिजेक्शन कुछ नहीं होता. आप अगर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या अगर आप कोई ऑडिशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गंदी एक्टिंग की या आप लायक नहीं हो उस जॉब के. इसका मतलब ये कि उस रोल के लिए या उस चीज के लिए आप फिट नहीं है. मैं जिंदगी में छाना है, इंस्टा में छा के क्या होगा. हेलो अविनाश, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया. थैंक यू विजय, थैंक यू सो मच. यू नो, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है. नाउ यू आर ऑब्वियसली सीन इन शक्ति, बट आपने शुरुआत ऐसे शो के साथ की विच इज स्टिल रिमेम्बर्ड फॉर इट्स रिच कॉन्टेंट. सो वहां से लेके यहाँ तक की आप जब जर्नी देखते हैं, व्हाट डू यू वॉन्ट टू से? आई थिंक बहुत ही मैजिकल रही है जर्नी, बहुत ही अमेजिंग रही है जर्नी. मुझे अभी हाल ही की एक हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ, उसमें मुझे मालूम पड़ा कि 12 साल हो चुके हैं मुझे टेलीविजन इंडस्ट्री में. और आई थिंक बचपन से ही मैं वो ही कर रहा हूँ, हर सुबह उठ के वही कर रहा हूँ जो मुझे जिंदगी में सबसे मजा आता है करने में, सबसे उसका पैशन है, उसका जेस्ट है. और आई स्टिल लुक फॉरवर्ड टू, लाइक अभी भी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कब मैं नेक्स्ट शूटिंग में जाऊंगा, कब वो स्क्रिप्ट मिलेगी, कब वो मेकअप होगा, कब मैं आईने के सामने खड़े होकर डायलॉग्स को रिहर्स करूंगा और कब वो सब एक ऑडियंस देखेगी और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आएगी. सो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स हैं, किसी भी तरह के आर्टिस्ट हो, हमारा काम ये रहता है कि किसी के जिंदगी में एक हल्की सी मुस्कुराहट लाना. वो अगर जिस आर्टिस्ट ने अचीव कर लिया, वो अपने कला में कामयाब हो गया. Right. And you, were you always inclined towards acting or it just happened accidentally? How did you bag your first project? इसमें जवाब को मैं दो हिस्से में दूंगा. फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था क्योंकि बचपन से दो ढाई साल की उम्र से जब मुझे मालूम पड़ा कि लोग जो हैं वो बस 80-90 साल ही इस दुनिया में रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद फोटो में उनको देखना पड़ता है, तो मुझे अपना जो फ्यूचर है वो फोटो में नहीं, इतिहास के पन्नों में चाहिए था बचपन से. सो मुझे लगता था कि मैं एस्ट्रोनॉट बन के सब मून में गए हैं. मैं 2-3 साल का था, एस्ट्रोनॉट बन के मून में गए हैं, मैं पहला इंसान हूँगा जो सन पे जाऊँगा. और फिर जब 4-5 साल का मैं हुआ, 6-7 साल के आसपास, बम्बई आना जाना लगा रहता था. डैड की यहाँ पे पोस्टिंग थी, यहाँ पे काम करते थे, मैं और मॉम दिल्ली में थे. तो जैसे मैं यहाँ पे आया, पापा ने मुझे दिखाया ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे शूटिंग होती है. हम गए थे सेट पे क्योंकि कहीं किसी दोस्त बालाजी के सेट पे, एंड इट वॉज अमेजिंग. और मुझे देख के लगा कि ये ऐसी एक चीज है जो पूरे हिंदुस्तान के दिलों में घर कर सकते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू बी रिमेम्बर्ड ऑल योर लाइफ. मतलब हम नील आर्मस्ट्रांग को याद करते हैं, ठीक है, पर राजेश खन्ना को अलग तरीके से याद करते हैं. सो आई थिंक दैट इज द मोटिवेशन. हाउ डिड यू बैग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट? यस, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, आई थिंक फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट वाज बालिका. सो आई थिंक उसके पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके पहले मैं काम कर चुका था, राजकुमार आर्यन एक शो आया था जो मैंने अभी हाल ही में इंस्टाग्राम में डाली भी थी, उसके कुछ क्लिपिंग्स मैं और रवि का थे फर्स्ट एपिसोड में. मैं राजकुमार आर्यन बना था, वो मैं राजकुमारी बनी थी, और वो सेम प्रोडक्शन हाउस का था जो बालिका वधू का था. तो जब तब बालिका वधू की कास्टिंग चल रही थी, तब उन्होंने तब देखा वो फर्स्ट एपिसोड, उनको अच्छा लगा, ऑडिशन के लिए बुलाया, और कैमरा मैन ने ऑडिशन लिया और वो कैमरा लेके भागा बोलते बोलते, जगह मिल गया, जगह मिल गया. Okay. And do you remember anything about your, you know, stardom as a child? Because Balika Vadhu was a very popular show. And you know, घर घर में आप लोग आनंदी और जग्या के नाम से famous हो गए, आप और अविका. So do you remember anything about the childhood stardom जो suddenly आप लोगों को इतनी popularity और popularity के साथ साथ प्यार भी मिला?
Yes, of course. वो एक अलग ही टाइम था क्योंकि बच्चे थे एंड बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड था एंड इतना प्यार, इतनी इतना स्नेह और मतलब और फैन फॉलोइंग भी, बड़ों का प्यार, आशीर्वाद और मतलब आई रिमेम्बर हम जाते थे इवेंट्स में सूरत और कलकत्ता और साउथ और इधर उधर एंड 20,000 लोग, 25,000 लोग आते थे, 22,000 लोग आते थे. और हालांकि अभी 2015-16 में मैं गया था, टूर किया था मैंने वियतनाम, इंडोनेशिया, जकार्ता, ये सब, और वहाँ भी क्या क्रेज. एंड इट्स अमेजिंग व्हाट इन टेलीविजन हैज अचीव्ड. सो आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड ग्लैड. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नो जो इंडियन टेलीविजन है उसकी रीच जो है वो बहुत ब्रॉड है, तो वो हर घर तक पहुँचती है. तो उसमें ऐसी कहानी का होना बहुत जरूरी है जो आप रोज सुने, जो आपके समाज में एक डिफरेंस क्रिएट कर सके, चाहे वो बालिका वधू हो, चाहे वो शक्ति हो. एक ब्यूटीफुल मैसेज और एक समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश एंटरटेनमेंट के साथ, वो टेलीविजन का आई थिंक इट्स द मेन ऑब्जेक्टिव. एंड हाउ डिड योर लाइफ चेंज आफ्टर डूइंग बालिका वधू? My life have been changed ever since. Sab kuch badal hi gaya hai. And like I've learned a lot. People have loved me so much. And aaj everything that I have learned aur jo main aaj jo bhi achha kar pa raha hoon wo sab uski wajah se hai. Jo maine cheeze seekhi hain uski wajah se hai. और आई जस्ट होप कि आगे भी होता रहे. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि लोगों को अभी जो मेरा किरदार है सो उनको भी बहुत पसंद आ रहा है. सो या जस्ट रियली हैप्पी. बालिका वधू एक ऐसा शो था कि जिसकी स्टोरी ही नहीं, जिसके एक्टर्स भी बहुत ही ज्यादा यू नो पॉपुलर एंड प्लस एक्टिंग वाइज भी दे वर एक्सीलेंट, लाइक सुरेखा सिकरी जी, अनूप सोनी, स्मिता बंसल, यू नो एवरीवन. कितना वो एक स्कूल भी था आप लोगों के लिए एज एक्टर्स, बिकॉज आप एंड अविका बोथ वर न्यू, आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई थी. सो टेल अस समथिंग अबाउट योर बॉन्डिंग विद सुरेखा सिकरी. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो एक सुरियल एक्सपीरियंस था कि बालिका वधू अभी लॉकडाउन में वापस आया. सो हमने वापस वो सारी वो एपिसोड्स देखे और मुझे ये मैं देख के मैं सोच रहा था कि क्या मैंने ये सब इसी जिंदगी में किया है, क्योंकि ऐसे ऐसे सीन्स मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था, अपने जो मैंने सीन्स किए वो पहचान नहीं पा रहा था. और तब मुझे एक्टिंग के बारे में मैंने इतना पढ़ा नहीं था, मैंने बहुत सारी चीज़ें बाद में जाके पढ़ी, बट मैं तब भी अपने आप को मैं देख रहा था और एक रॉनेस में भी एक बहुत अच्छी चीज़ आ रही थी. सो वो मैं चाहता हूँ कि ये भी मुझे सिखा कि दोबारा बालिका वधू देखने के बाद कि मैं जो रॉनेस जो थी वो मैं बरकरार रखूँ और उसको कभी टेक्निकलिटी के ऊपर जाने मत दूँ, कि जो एक रॉ, एक प्योर, एक इमोशन जो होता है वो स्क्रीन पर दिखे तो ऑडियंस फटाक से कैच कर लेती है. और जबकि इनोसेंस जो होती है वो बहुत जरूरी होती है. और सेकेंडली जैसे कि आपने कहा कि सुरेखा जी से बॉन्डिंग, आई थिंक सुरेखा जी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड, मतलब नॉट इन टेलीविजन, नॉट इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इन द वर्ल्ड एवर बॉर्न. मतलब आप हमने अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ एक्टिंग में सबसे ज़्यादा हमें कहा जाता है कि जो जोकर का जो किरदार किया था बैटमैन में, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो अगर उनसे ऊपर नहीं तो उनके बराबर तो हैं ही हैं, मतलब उनके कंपैरिजन ही कुछ नहीं है सुरेखा जी की. लाइक वो ऐसी एक्ट्रेस हैं कि मैं बता नहीं सकता कि वो एक्टिंग लाती कहाँ से है. और मैं हमेशा बस उनको पूछता था कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हैं, और वो बस एक ही शब्द कहती थी कि एक्सपीरियंस है. तो आई थिंक वो हम पढ़ नहीं सकते, हम वो सीख नहीं सकते, ना कोई सिखा सकता है, बस एक एक्सपीरियंस है, एक जिंदगी है जो हमें उस एक्टिंग तक पहुंचा सकती है.
और सेकेंडली अनुप जी, स्मिता जी, सतीश शर्मा, एवरीबडी, मतलब सब, हम दोनों को, मुझे रवि का, सब बहुत सिखाते थे, चाहे वो डिक्शन हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, वो ही नहीं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, कैमरामैन, ऑडियो साउंड रिकॉर्डिस्ट, वो हमें टेक्निकलिटीज के बारे में बता सकते हैं। सो यार, कोई लाइफ चेंजिंग तो नहीं बोलूंगी, कोई ऐसा फैन मोमेंट था उस टाइम पे, जैसे हम काफी सारी कहानियां सुनते हैं कि कैसे लोग जो टीवी के एक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर्स को रियल लाइफ कैरेक्टर्स एक्चुअली मानने लगते हैं, तो कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जब आप किसी फैन को मिले हो और आपके साथ वो अभी तक है, वो याद ताजा? हाँ, सबसे मेमोरेबल जो मुझे पूछा जाता है, बहुत सारे सवाल ऐसे सबसे आते हैं कि सबसे मेमोरेबल का फैन मोमेंट कौन सा था, सो आई थिंक मुझे बस जहन में एक ही आता है कि सबसे मेमोरेबल मेरा था जब मैं बालिका वधू की शूटिंग करने गया था, और तब बस शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, फर्स्ट डे था, और हम जैसलमेर किसी इंटीरियर गांव में शूट कर रहे थे, और वहां पे तीन चार बच्चों ने फर्स्ट टाइम मेरा ऑटोग्राफ लिया था, तब मुझे मालूम भी नहीं था कि सिग्नेचर ऑटोग्राफ के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और शूटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी, कोई मुझे पहचानता भी नहीं था, बट तब भी उन्होंने ऑटोग्राफ लिया था कि शूटिंग हो रही है, एंड सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट मेमोरेबल। यू नो, यू वर एट दैट टाइम वन ऑफ द यू नो पॉपुलर चाइल्ड एक्टर्स, जब, लेकिन काफी बार हमने ऐसा देखा है कि जब चाइल्ड एक्टर से एक मेल लीड की जर्नी होती है वो बहुत ही ज्यादा यू नो स्ट्रगल्स और मेहनत से भरी हुई होती है, कंपटीशन और चैलेंजेस से भरी हुई होती है। हमने काफी सारे चाइल्ड एक्टर्स को बॉलीवुड में भी देखा है, टीवी में भी देखा है कि वो अपनी इनिंग्स एज अ लीड जब शुरू करते हैं तो उनको काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आपके साथ क्या हुआ? हाउ डिफिकल्ट, हाउ चैलेंजिंग इट वॉज फॉर यू? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसे कुछ था नहीं कि मुझे फटाफट टेलीविजन में आना है, वापस काम करते रहना है। यू नो, आपके आसपास लोग बोलते रहते हैं कि नहीं, दिखना जरूरी है, आप दिखते रहो दिखते रहो दिखते रहो, मुझे ऐसा लगता कि ऐसा कुछ जरूरी है स्पेशली आज के टाइम पर, क्योंकि वॉट मैटर्स इज कि आप जो कहानी बोल रहे हैं आप किस कहानी का हिस्सा है और वो कहानी लोगों से क्या कह रही है। मैं स्टार्टिंग से बहुत क्लियर था कि मेरी एक्चुअली मॉम बहुत क्लियर थी कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ बट वो पढ़ाई में डिफरेंस नहीं आनी चाहिए कभी भी। सो अब जब भी आप अगर मेरी फिल्मोग्राफी देखें, इट्स बीन ऑलवेज, मैंने बालिका वधू किया, फिर मैंने 10th के लिए ब्रेक लिया, फिर एक शो किया, फिर 11th 12th के लिए ब्रेक लिया, फिर एक शो किया, फिर वापस ग्रेजुएशन के लिए ब्रेक लिया, और फिर मैंने कुछ स्टार्टअप्स किए, कुछ बिजनेस किए, उसके बाद मैंने एक शो ज्वाइन किया अभी शक्ति जो चल रहा है, बट इसके साथ साथ ही मेरे बिजनेस भी चल रहे हैं, एक मेरा एक डिप्लोमा कोर्स भी चल रहा है यूएस से, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ कर लेना है, एक प्लानिंग है, एक विजन है जी। एक मेरी उम्र 23 है, सो एक 5 years का, एक 6 years का, एक 7 years का एक गोल है जो हम सब जरूर देखेंगे वो गोल क्या है, बट ऐसे एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़नी है। और आई थिंक चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स होते ही हैं, कंपटीशन भी है ही है, बट आई रियली फील कि मतलब मुझे इतना प्यार दिया, इतना रिकॉग्निशन मिला है लोगों से कि वो चैलेंजेस, वो मुश्किलें बहुत कम हो जाती हैं, और उसी प्यार को मैं एज अ मोटिवेशन लेके रोज और मेहनत करता हूँ। So, I think it's just amazing. But, you know, Avinash, कभी ऐसा मौका आया जब, you know, आप टेलीविजन में as a male lead वापसी कर रहे थे, तब बहुत struggle का सामना करना पड़ा, you know, because usually in the industry not too many people are very keen on launching a child actor as a male lead. तो उसके लिए आई एम श्योर आपको भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा होगा एक राइट प्रोजेक्ट मिलने के लिए, ताकि आपने भी जो पिछला काम किया है उसके साथ जस्टिस हो पाए जब आप यू नो एक सेकेंड इनिंग्स में वापस आ रहे हैं। तो वो टाइम कैसा था जब आपको एक ट्रांजिशन पीरियड में थे, आप एज अ यू नो यंग मैन लॉन्च हो रहे थे, तो तब वो पीरियड कैसा था, क्या उस समय रिजेक्शन का सामना करना पड़ा?
नहीं देखिए, रिजेक्शंस कुछ नहीं होते. रिजेक्शन जैसे अगर आप, मैं ये दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि रिजेक्शन कुछ नहीं होता. आप अगर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या अगर आप कोई ऑडिशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गंदी एक्टिंग की या आप लायक नहीं हो उस जॉब के. इसका मतलब ये कि उस रोल के लिए या उस चीज के लिए आप फिट नहीं है, सिंपल सी बात. और जैसे कि मैंने आपको भी पहले भी कहा कि आई हैव बीन ऑलवेज फोकस्ड ऑन माय स्टडीज मोर ओवर. सो अभी आई थिंक 8-9 महीने पहले मुझे ग्रेजुएशन डिग्री मिली. सो अभी मैं फुल फ्लेज टेलीविजन में आ रहा हूँ. एंड आई थिंक चैलेंजेस तो होते हैं, बट मुझे कभी दिखे नहीं, क्योंकि मैं उसको ऐसे चैलेंजेस लेता ही नहीं. क्योंकि चैलेंजेस होती क्या है, चैलेंजेस मुश्किल होती है. मुश्किल क्या होती है, जो हम मान लेते हैं मुश्किल है. अगर मुश्किल हम माने ही ना, तो मुश्किल क्या है. हम हार तभी भी होती है जब हम मानते हैं ना. हम मानेंगे नहीं तो हार कैसे होगी, कोशिश चलती रहती है. बट कभी आपको ऐसा डर रहा कि यू नो, अगर मैं, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा था कि सब कहते रहते हैं कि दिखना जरूरी है, दिखना जरूरी है, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का चलन भी ऐसा है कि इफ यू आर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ऐसा कहा जाता है, तो कभी आपको भी लगा कि यहाँ स्टडीज तो करना है लेकिन काम अपना वर्क इंडस्ट्री में भी साथ साथ करते रहना है, अदरवाइज आई माइट लूज ऑन प्रोजेक्ट्स, कभी ये थॉट आया था आपके दिमाग में? नहीं, क्योंकि ये आई थिंक ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो चीज है ना, वो 6 साल पहले लागू होती थी, 7 साल पहले लागू होती थी, जब इंटरनेट नहीं था, जब डिजिटल मीडिया नहीं था. क्योंकि आप आउट ऑफ साइट कभी हो ही नहीं सकते. आपको कोशिश करनी पड़ेगी आउट ऑफ साइट रहने के लिए. आज का जमाना ऐसा हो गया, अभी टाइम चेंज हो गया. तो एज अ यंग पर्सन आई कैन अंडरस्टैंड कि 70s, 80s, 90s का टाइम अलग था. कि अगर आप कहीं किसी मीडियम में नहीं दिख रहे हो, इसका मतलब आपको लोग भूल सकते हैं. बट जैसे SRK, उनकी 3 साल से पिक्चर नहीं आई है, लेकिन 1% भी उनका फैन कम हुआ है. 1% भी नहीं. So I think with social media and all coming in, you think that you know actors or audience के बीच में connect हमेशा regularly बना हुआ है? Yes, of course, 100%. And how do you, being an actor, आजकल एक और एक mandatory आप overexpose ना हो. हाँ, right. But एक you know आजकल एक और एक mandate बन गया है कि आपको judge किया जाता है आपके कितने social media followers हैं. काफी बार ऐसा होता है कि आपके फॉलोइंग सोशल मीडिया पे कितनी ज्यादा है, उससे काफी लोग आपका आकलन करते हैं कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं या आप वो प्रोजेक्ट के लिए राइट बैठते हैं या नहीं. डू यू थिंक दैट इज द राइट मीडियम और दैट द राइट वे टू गो, एंड व्हाट इज योर कमेंट ऑन इट? सी, आई थिंक एक हॉलीवुड में एक एक्ट्रेस है किम कर्दाशियन, उनके 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और शाहरुख खान के 3-4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. सो अब आप किम को ले आए, शाहरुख खान को ले आए, आप जमीन में देख लेंगे कि किन की ज्यादा फैन फॉलोइंग. तो वो दुनिया ही अलग है, सोशल मीडिया की दुनिया ही अलग है जो आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं. हाँ, दूरी कम की है, लेकिन कोई कुछ सच बात नहीं है उसमें, सिर्फ कहानियां हैं. वो कहानी कभी आप पर भी प्रेशर बिल्ट होता है कि टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट ऑन सोशल मीडिया, टू अप योर सोशल मीडिया गेम, इंस्टाग्राम गेम? नहीं नहीं, मैं तो लाइक मुझे मेरी टीम लाइक मुझे हर दिन मुझे मैसेज करते रहती है, प्लीज पोस्ट समथिंग, प्लीज पोस्ट समथिंग, प्लीज पोस्ट समथिंग. मैं 10-15 दिन के बाद एक फोटो पोस्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं होता कि वापस खिंचाओ, वापस ये करो, वो करो, वो करो, कैप्शन सोचो, उसमें पोस्ट करो. तो मतलब आई एम नॉट लाइक वेरी सैवी ऑफ सोशल मीडिया, नॉट लाइक कि मुझे पसंद ही नहीं है. मतलब मैं कहीं बीच में हूँ कि ठीक है, डाल दिया, कभी कभार डाल दिया, कुछ अच्छी चीज शेयर करनी हो कुछ डाल दिया. ऐसा नहीं कि एक्टिव रहने के लिए डालना है, जस्ट बिकॉज मुझे कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, कुछ चीजें हैं, कुछ अच्छा एक मैसेज देना है, तभी I'll go for it. That means you don't take pressure at all. कि followers बढ़ाने हैं और you know Insta पे छाए रहना है. That is
यू आर नॉट फॉर दैट, यू आर नॉट मेड फॉर दैट. नहीं नहीं, मैं जिंदगी में छाना इंस्टा में चैट किया हूं. नहीं, आजकल लोगों को उस पे जज किया जाता है ना, एक है लोगों का. हां जी, मालूम है. हाँ. वो सब दो तीन साल की बातें हैं, ये सब फेजेस हैं. यू नो, बीइंग एन यंगस्टर, कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हालांकि आप नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी जगह भी आजकल बन गई है जो बहुत टॉक्सिक बन गई है. अगर इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं कि हम ऑडियंस के साथ तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो हमारी जिंदगी को देख सकते हैं बहुत करीब से कि हम डे टू डे लाइफ में कैसी एक्टिविटी होती है, लेकिन हर किसी को राइट भी मिल जाता है कि वो प्रिवेसी इन्वेजन हो जाता है, कोई भी आके आपके ऊपर कैसे भी कमेंट कर सकता है, और खासकर एक्ट्रेसेस बहुत ज्यादा इसके शिकार होते हैं. सो बीइंग एन यंगस्टर, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? हाउ डू यू लुक एट सोशल मीडिया? आई थिंक बहुत ही डबल एज सोर्ड है ये, क्योंकि एज यू सेड एक्ट्रेसेस जो हैं, समटाइम्स आई फील वेरी सैड, क्योंकि हम जानते हैं असलियत क्या है उसकी, और उनको कैसे कैसे मैसेजेस का सामना करना पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस, जो कि मेल एक्टर्स के साथ नहीं होता. और ना हम उसका विरोध कर सकते हैं, ना हम उसका किसी तरीके की पाबंदी लगा सकते हैं, ना हम उनको बोल सकते हैं कि आप हट जाइए, क्योंकि हट जाना इज नॉट द सोल्यूशन. क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है कि कोई भी गुमनाम आदमी कोई भी गुमनाम आईडी बना के कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी भेज सकता है. सो आई फील वो एक उसकी कौन है. तो हर चीज जो आती है वो प्रोज एंड कॉन्स के साथ आती है. सो आई थिंक अब यही है, टॉक्सिक, आई डोंट थिंक सो टॉक्सिक बन गया है. कोई भी चीज जिंदगी में आई डोंट थिंक सो टॉक्सिक बन जाती है. सोच टॉक्सिक होती है, कोई भी मानसिक कभी टॉक्सिक नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाट आई फील. आल्सो आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ शो लाइक बालिका वधू, कहीं कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ, आई एम श्योर, क्योंकि इतना कंटेंट वाइज इतना रिच था वो शो, आपके साथ आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा कि आप थोड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चूजी और सिलेक्टिव हो गए होंगे, एंड यू डिडंट वांट टू डू द रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ यू नो प्रोजेक्ट्स. करेक्ट, 100% बिकॉज टेलीविजन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेलीविजन ऐसा एक मीडियम है जहाँ पे आप ऐसी कोई चीज बना रहे हैं जो कॉमेडी है या हंसाने के लिए. आई हैव नेवर डन कॉमेडी, आई हैव नेवर डन हंसाने वाला कोई चीज, क्योंकि उसके लिए हम धमाल क्यों ना देखें, हेरा फेरी क्यों ना देखें. हम वो रोज आधे घंटे बैठ के हम एक जर्नी से गुजरना चाहते हैं, एक जो हर सदस्य की कहानी से जो हम जुड़ चुके हैं, उस सदस्य की जिंदगी को महसूस करना चाहते हैं, उसकी जिंदगी को महसूस करते हुए खुद की जिंदगी से कनेक्ट करके अपने आसपास जो लव्ड वंस हैं उनके जिंदगी से जुड़ना चाहते हैं. सो वो तभी पॉसिबल होता है कि उसका जो बेस है, उस शो का बेस आधार जो है, वो एक बहुत एक बढ़िया कहानी हो. जैसे बालिका वधू आनंदी की एक कहानी थी, शक्ति हीर की एक कहानी है, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है चाइल्ड मैरिज के ऊपर, ये बेस्ड है ट्रांसजेंडर के ऊपर, और ये दोनों ही चीजें अपने समाज में एक इशू है बहुत बड़ा, और जो कि हमारा रीच है उसको हमें यूटिलाइज करने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट जरूरत है कि वो लोग रोज बैठ के उसको देखे, उसको ऑब्जर्व करे, उस कंटेंट को देखे, और वहां से वो एंटरटेनमेंट भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो. और मैं भी हमेशा चाहता हूँ कि मैं टेलीविजन में जरूर टेलीविजन में रहूँ, मैं ऐसे शोज का हिस्सा रहूँ जो समाज में एक डिफरेंस क्रिएट करे, क्योंकि वरना व्हाट इज द यूज देन. अगर आप हर सुबह अपनी अपना ड्रीम अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, बट उसके साथ साथ अगर समाज में डिफरेंस अगर आ रहा है, सो व्हाई नॉट, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है. बट यू नो आप ये चीज बहुत ही प्रॉमिसिंगली सामने रख रहे हैं कि आप चाहते हैं कि सोसाइटी में भी एक चेंज आए, लेकिन अगर ज्यादातर यंगस्टर्स की बात करें तो एवरीवन इज काइंड ऑफ हैज ऑलरेडी शिफ्टेड टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, यू नो. सो बीइंग
22-23 ईयर ओल्ड आप भी बहुत ज्यादा यू नो अपना कॉन्टेंट जो कंज्यूम करते होंगे वो OTT से करते होंगे, ये जाहिर सी बात है आजकल. आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं टेलीविजन पे बांधे रखने के लिए या उन ऑडियंस को वापस लाने के लिए आपको क्या लगता है थोड़ा और प्रोजेक्ट वाइज स्टोरी वाइज थोड़ा और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आप एक ऐसे शो का हिस्सा रहे हैं जहाँ पे लोग रोज रात को बैठते थे वो शो देखने के लिए, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो वो आपके शो ने करके दिखाया है. यू नो आपको लगता है कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसा दौर आ गया था कि एवरीवन इज जस्ट फॉलोइंग हर्ड मेंटालिटी और डूइंग द सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, और अब अगर OTT से आपको टेलीविजन को कम्पीट करना है तो आपको लगता है थोड़ा एक्सपेरिमेंट और रिलेटेबल प्रोजेक्ट लाने की भी जरूरत है ताकि यूथ भी इसके साथ जुड़े? आई थिंक जो हमारे टेलीविजन में कॉन्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट, जो हमारे टेलीविजन में कॉन्टेंट है 70% इज करेक्ट. और सेकेंड चीज जो आप बात कर रहे हैं यंगस्टर्स की, एनी बडी बिलो द एज ऑफ 35 और मेल्स बिलो 45, हमारा ये टेलीविजन इज नॉट फॉर देम, तो उनके लिए है ही नहीं. तो टेलीविजन के शोज मेरे लिए बनते नहीं, किसी भी कॉलेज गोइंग इंसान के लिए वो बनते नहीं, वो अलग कंटेंट बनता है. सो टेलीविजन की जो ऑडियंस है वो वही है, 45-55 ईयर ओल्ड फीमेल, 40-60 ईयर ओल्ड मेल जो कि देखते हैं टेलीविजन को, और उनके लिए आज के टाइम पे 70% कंटेंट इज ओके. और अब समाज में जो बदलाव लाना है वो सोच 22-23 साल के आदमी से नहीं आ सकती, वो सोच जब तक बड़े ओपिनियन लीडर्स जो हैं गांव में Tier 2, Tier 3 सिटीज में, वो तब तक ना करें उसको लागू अपने जहन में और सोसाइटी में, तब तक वो चेंज नहीं आएगी. Right. Thank you so much, Avinash. It was great talking to you, and hope you keep doing good work in future too. Thank you so much, Vijay. Thank you. Take care. Bye. Thank you. You too. Bye-bye. Bye.